Hey guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to see about the pedigree analysis. It was also a requested video and many students have requested me to make a video on the pedigree analysis. So here it is, pedigree analysis. So first of all, if we see what is pedigree analysis, then if we considering a family, a particular family ke baare mein agar hum consider kar rahe hain, तो इन दैट फैमिली द ट्रेट्स और द करेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर्स टू द डॉटर्स ऑन द सन एंड देयर डॉटर एंड सन्स आर इनहेरिटेड इट फ्रॉम आर गोइंग टू इनहेरिट टू देयर चिल्ड्रन. सो दिस इज अ इनहेरिटेंस, लाइक कि दादा दादी से बच्चों में गए, बच्चों से उनके बच्चों में गए. सो एक इनहेरिटेंस पैटर्न होता है. सो इस इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस, टू स्टडी द इनहेरिटेड करेक्टर्स. That character can be any one character or that character can be many character. So the study about those character in a particular family is known as pedigree analysis. How this pedigree analysis helps us? It helps us that अगर उनके future generation में कोई बच्चा या बच्ची होने वाला है तो we can predict कि वो उस बच्चे या बच्ची को inherited disease होगी या फिर नहीं होगी. हम इससे पूरा पता लगा सकते हैं कि किस किस इंसान में या किस किस फैमिली मेंबर में वो डिजीज होने के चांसेस है या डिजीज होने के चांसेस नहीं है. पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, सीएसआईआर, नेट, नीट और जितने भी ऐसे पेपर्स जिनमें जेनेटिक्स एज अ यूनिट आती है उसमें पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन आते ही हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी अबाउट द सिंबल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी आर गोइंग टू सी टिप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स और वी कैन से द क्वेश्चन रिगार्डिंग द पेडिग्री एनालिसिस. द टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू देम यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजिली एंड इन वेरी लेस टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. इफ यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंबल्स, देन द फर्स्ट सिंबल इज ऑफ द मेल दैट इज अ स्क्वेयर. Then it's female, that is a circle, and then it's an unspecified sex symbol. Like there will be a child that is about to born, जिसका हमें sex पता नहीं है, लेकिन हमें पता लगाना है उसमें disease होगी या नहीं होगी. तो ऐसे child को हम इस वाला जो shape है उससे हम mark कर देंगे. ठीक है, अब क्या होगा mating? If a male and female are mating, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको हम इस symbol से दिखाएंगे. And if they contain children and they have children, then there will be like this, that this male and this female has mated and they have two children, that is one son and one daughter. So this kind of symbol is for children. Okay, उसके आगे अगर हम बढ़े तो affected अगर होगा कोई organism, किसी भी disease से अगर हम affected होगा तो वो जो होगा colored होगा, उसमें जो होगा fill होगा. वहीं अगर unaffected है तो ये सिंपल इस टाइप के सिंबल्स होंगे. अगर वो कैरियर है, कैरियर एज इन ऐसी कंडीशन, रिसेसिव कंडीशन में आती है कि जिसमें एक डोमिनेंट ए प्रेजेंट है और एक रिसेसिव प्रेजेंट है, या फिर इसमें एक तो एक्स नॉर्मल है लेकिन एक एक्स क्या है, डिजीज वाला है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैरियर होता है. तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद इफ अगर डेथ हो गई है तो डायगनली हम एक लाइन खींच देते हैं. उसके बाद इफ देयर इज अ डाइजाइगोटिक ट्विन, व्हाट इज डाइजाइगोटिक ट्विन, द ट्विन्स दैट आर फॉर्म ड्यू टू द टू जाइगोट्स. सो फॉर दैट दैट पिक्चर विल बी लाइक दैट, कि हम ऐसे हट लाइक एक सिंबल बनाएंगे. वही जो मोनोसाइकोटिक ट्विन है उनमें क्या होगा, ये जो डॉटर और जो सन है उनके बीच में भी क्या होगी, एक लाइन होगी. और उसके बाद है कंसेंजुअस मैरिज. वो मैरिज कैसी होती है, जो रिलेटिव्स के बीच में होती है. ये कैसी मैरिज है, दैट इज अकरिंग इन द रिलेटिव, जिनके बारे में क्या है, जिनका ब्लड रिलेशन है. जैसे कि दूर के भाई या दूर की बहन के बीच में जो मैरिज हो जाती है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, ब्लड मैरिज बोलते हैं, ब्लड रिलेशन. ठीक है, तो उनमें क्या होगा, दोनों के बीच में डबल लाइन होगी. यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे क्या होगी, डबल लाइन होगी. सो ये जो है बेसिक सिंबल्स है पेडिग्री एनालिसिस के. देयर आर मेनी सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, बट वी आर ओनली कंसीडरिंग दो सिंबल दैट आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. सो दीज आर सम ऑफ द सिंबल्स. अगर हम एक फैमिली को देखें तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो टाइप के न्यूमरल लिखे हैं. ये वाला जो है 1, 2, 3, 4, दीज आर द रोमन न्यूमरल, and this 1, 2, 3, 4, these are the Arabic numeral. What is the difference in this pedigree, ki jo ye Roman numeral hai wo batayenge generation ko, this will tell about the generation. Wahi jo Arabic numeral hai wo batayenge ek hi generation mein children ko, ek hi generation mein kitne children hain ya fir mating hui hai usko batayenge.
जो चिल्ड्रन है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो वाला चिल्ड्रन सबसे ओल्डेस्ट होगा और जो राइट हैंड साइड होगा वो सबसे यंगर चिल्ड्रन होगा। तो जो ओल्डेस्ट चिल्ड्रन है वो कौन सा होगा, हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड होगा, इट विल बी ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड एंड द यंगेस्ट विल बी टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इट विल बी टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अब ये रोमन और अरेबिक जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया कि फर्स्ट का जो सेकंड है उसमें क्या डिजीज है, या फिर जो सेकंड का फोर्थ है उसमें डिजीज है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो हमें पता होना चाहिए जो वन टू है वो क्या बता रहा है, हमें जनरेशन बता रहा है, और ये जो टू और फोर है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि एक जो जनरेशन है उसमें कौन से चिल्ड्रन की बात हो रही है। ठीक है, वही अब यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है वो किसको डिनोट कर रहा है, कि कोई बाहर से किसी की मीटिंग हुई है इस गर्ल के साथ, मतलब इसने इसके साथ मैरिज किया, इसके साथ मीटिंग हुई है एंड देन देयर आर द चिल्ड्रन। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ डिफरेंट फैमिली ह्यूमन, ये किसी और फैमिली का ह्यूमन है, इस फैमिली का नहीं है। फिर इन दोनों के बच्चे हुए हैं और इनकी ये वाली जो डॉटर है इसने किसी और के साथ मैरिज किया, किसी और फैमिली मेंबर के जो सन है उसके साथ किया, और अभी ये जो है एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग अ डॉटर और अ सन। तो इसके लिए हमने जो है ये अनस्पेसिफाइड वाला जो है सिंबल लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें पता नहीं है कि डॉटर होगी या फिर सन होगा। तो अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो फोर्थ है उसका जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट होगा, फोर्थ का जो फर्स्ट है उसमें डिजीज कौन सी होगी, उसमें डिजीज होने के चांसेस है या नहीं है, उसके कैरियर होने के चांसेस है या नहीं है। तो इसमें बहुत मैटर करता है कि सेक्स कौन सा है, मेल है फीमेल है या अनस्पेसिफाइड है। ये हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा पेडिग्री एनालिसिस में। तो ये सिंबल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यही जो सिंपल है वो सिंबल्स है वो बेस बनाएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के पेडिग्री एनालिसिस के। तो इन सिंबल्स को अपने टिप पे कर लीजिए, तभी आप जो है क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। जो इनहेरिटेंस होती है वो टोटल फाइव टाइप की इनहेरिटेंस होती है। जो पहली इनहेरिटेंस है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस एक फैमिली में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की होगी। फर्स्ट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ये जो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है वो फर्दर दो टाइप की होती है, एक होगी ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस और एक होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। वन विल बी ऑटोसोमल रिसेसिव एंड वन विल बी ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ये जो है पहली टाइप की और ये जो है दूसरे टाइप के, क्या होगा इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस में, कि जब भी ये जो है जो भी अलील्स है वो दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे तभी ये क्या कॉज कर पाएंगे, तभी ये डिजीज कॉज कर पाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होगी और ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होगी, इन दोनों में ही जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। इस टाइप की अगर कंडीशन होगी तो हम इनको क्या बोलेंगे, हेटीरोजाइगस बोलेंगे, लेकिन इनमें भी डिजीज नहीं होगी। डिजीज सिर्फ और सिर्फ कब होगी, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, रिसेसिव ट्रेट्स होंगे। और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमें पता ही है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ के द रिमेनिंग क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, वी नो दैट। ओके, सो इफ यू मूव फर्दर व्हाट हैपेंड इन ऑटोसोमल डोमिनेंट, इन ऑटोसोमल डोमिनेंट दैट इफ देयर इज अ कंडीशन लाइक दिस और इफ देयर इज अ कंडीशन लाइक दिस, इन दोनों में ही क्या होगा, जो पर्सन है दैट विल सफर फ्रॉम द डिजीज, द पर्सन विल सफर फ्रॉम द डिजीज एज सिंपल एज दैट, एंड इन दिस ओनली कंडीशन द पर्सन विल बी नॉर्मल, इट वोंट कंसिस्ट एनी टाइप ऑफ डिजीज। व्हाई इन दिस कंडीशन देयर इज डिजीज, बिकॉज देयर इज डोमिनेंस ऑफ दिस कैपिटल ए ओवर दिस स्मॉल ए। ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो हम बार बार इसको नहीं देखेंगे। तो ये था ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। दूसरी इनहेरिटेंस क्या होती है, दूसरी इनहेरिटेंस है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। व्हाट हैपेंस इन सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज दैट एज इट इज यहाँ पे बोला गया है एक्स है, तो एक्स मतलब क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम। व्हाट इज एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी दो टाइप की कंडीशन होगी, एक होगी रिसेसिव कंडीशन और एक होगी डोमिनेंट कंडीशन। व्हाट हैपेंड इन रिसेसिव कंडीशन इज दैट व्हेन बोथ एक्स कंटेन्स द डिजीज, ये स्टार क्या बता रहा है, स्टार बता रहा है कि वो डिजीज है या फिर ये दोनों क्या है, रिसेसिव है।
अगर ये दोनों क्रोमोसोम रिसेसिव होंगे तभी क्या होगी, डिजीज होगी। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है या फिर ये कंडीशन प्रेजेंट है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल होगा। बस ये वाला जो कंडीशन है ये है हेटेरोजाइगस कैरियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोजाइगस कैरियर, कि इनको डिजीज नहीं हुई, लेकिन जब ये पास करेंगे इस जीन को हम अपने सन में या फिर डॉटर में, तो हो सकता है कि उसको डिजीज हो जाए। देयर इज चांसेस कि उनको डिजीज हो जाए। अब ये जो पास करेगा ये तो डिजीज नहीं करेगा, तो ये क्या है, टोटली नॉर्मल है, कुछ भी कैरियर नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये नॉर्मल है लेकिन ये कैसा है, कैरियर है। वाई इट इज कैरियर, बिकॉज इट कैन पास इट्स डिजीज जीन टू दी ऑफस्प्रिंग। इट कैन पास इट टू द सन और इट कैन पास इट टू दी डॉटर, दैट्स व्हाई इट इज कैरियर। ये हमेशा कैरियर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कैरियर के ऊपर काफी बार आ जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज डोमिनेंट। सिमिलरली डोमिनेंट में क्या होगा, इस कंडीशन में भी डिजीज होगी एज वेल एज दिस कंडीशन में भी क्या होगी, डिजीज होगी। सिर्फ ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कैसी है, रिसेसिव, कि दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव है। इस कंडीशन में स्टार क्या बता रहा है, स्टार बता रहा है रिसेसिव। सिर्फ इसी कंडीशन में क्या होगा, इसी कंडीशन में नॉर्मल होगा। वंस अगेन व्हाई इट इज सो, बिकॉज एक्स इज डोमिनेंट राइट नाउ, एक्स इज डोमिनेंट ओवर द एक्स स्टार, दैट इज रिसेसिव। सो ये हो गया तीसरा टाइप का इनहेरिटेंस और ये हो गया चौथा टाइप का इनहेरिटेंस। फिफ्थ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज वाई इनहेरिटेंस। वाई इनहेरिटेंस इज दैट इनहेरिटेंस दैट इज अकरिंग थ्रू द वाई क्रोमोसोम, एंड वी नो दैट द वाई क्रोमोसोम ओनली अकर्स इन द मेल्स, इट ओनली अकर्स इन द मेल्स। सो दैट्स वाई वॉट विल हैपन, दिस इनहेरिटेंस विल ओनली अकर इन मेल्स। तो अगर कोई डिजीज वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिजीज किस में होगी, सिर्फ और सिर्फ वो मेल्स में होगी। इट वोंट अकर इन फीमेल्स। वाई इट वोंट अकर इन फीमेल्स, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई क्रोमोसोम। सो दीज आर फाइव टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट अकर्स इन द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द फादर और मदर टू द डॉटर और सन। नाउ लेट्स सी अबाउट द टिप्स। अब आपको जो टिप्स है बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। सो गाइस लेट्स सी नाउ अबाउट द टिप्स। तो पहली टिप्स है वो है स्किप ऑफ जनरेशन, नो स्किप ऑफ जनरेशन, दैट इज लेट्स सी इन वन मोमेंट। तो जो फर्स्ट टिप है वो क्या है, नो स्किप ऑफ जनरेशन, नो स्किप ऑफ जनरेशन इन द केस ऑफ डोमिनेंट इनहेरिटेंस, इन द केस ऑफ डोमिनेंट इनहेरिटेंस। क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जब भी डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगी, आइदर डोमिनेंट ऑटोसोमल या फिर डोमिनेंट रिसेसिव, इन दोनों में से अगर कोई भी डोमिनेंट इनहेरिटेंस हो रही है तो स्किप ऑफ जनरेशन नहीं होगा। मतलब क्या, हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने एक लिया पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें फॉर एग्जाम्पल फादर को है डिजीज और फादर क्या शो कर रहा है, फादर शो कर रहा है एक्स लिंक डोमिनेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी ताकि आपको समझ में आ जाए, डोमिनेंट। और मदर को डिजीज है ही नहीं, मदर क्या है, टोटली नॉर्मल है। अब इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें अगर मैं ले लेती हूँ कि इनके दो ऑफस्प्रिंग हुए, एक हुई सन और एक हुआ डॉटर, या फिर हम चलो ले लेते हैं कि इनके फोर आए, फोर बच्चे हुए इनके, ठीक है, पूरी प्रोबेबिलिटी हम ले ही लेते हैं। तो इसमें अगर हम क्रॉस करें तो क्रॉस करके क्या क्या आएगा, ये एक्स इसके साथ, ये एक्स वाई, फिर ये एक्स एक्स डी और फिर ये एक्स वाई। इनमें क्या हो रहा है कि जो दो हैं, सॉरी ये जो है ये होगी डॉटर और ये जो है ये होगा सन, इनमें जो दो बच्चे हैं उन्होंने क्या शो की, दे हैव शोन द डिजीज। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी टेक दिस कंडीशन, अब हमने इसको लिया और इफ इट इज क्रॉस्ड विद अ नॉर्मल मेल, then also what will happen, then also one their offspring will get the disease. So इस type of condition में क्या होता है, no skip of generation, there will be no skip of generation, generally जो होगा कोई skip of generation नहीं होगी। तो ऐसी condition, ये जो है पहला rule है या फिर पहला tip है जो आप याद रख सकते हो, if there is a dominant inheritance then there will be no skip of generation generally, there can be a rare issue कि जिसमें skip of generation हो सकता है, लेकिन generally जो है skip of generation नहीं होगा। ठीक है, second is skip of generation,
स्किप ऑफ जनरेशन कब होगा? जब कंडीशन कैसी है? रिसेसिव. व्हेन द कंडीशन इज रिसेसिव. रिसेसिव कौन से दोनों में से कोई भी हो सकती है. ऑटोसोमल होगी तो भी स्किप ऑफ जनरेशन होगा, और एक्स लिंक्ड होगी तो भी स्किप ऑफ जनरेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंडीशन ले लें, एक जो फादर और मदर है उनमें ऑटोसोमल सिंड्रोम है, ये जो है बिल्कुल ही नॉर्मल फादर है, और इनके पास क्या है, इनमें एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है. तो व्हाट विल हैपन जब इनमें म्यूटिंग होगी और इनके जब बच्चे होंगे तब कैसे होंगे? ए ए ए ए ए ए एंड ए ए. तो इनमें से किसी में भी जो है क्या नहीं हुई, डिजीज नहीं हुई. वाहिल अगर इसने एक ऐसे मेल के साथ मैरिज की जो कि क्या है, डिजीज है, तो उनके बच्चों में क्या होगा, उनके बच्चों में डिजीज होगी. उन बच्चों में क्या होगा, डिजीज हो सकती है इस कंडीशन में. तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, ये वाला जो पूरा था यहाँ पे क्या हो गई, स्किप ऑफ जनरेशन. हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि किसी और फैमिली का, हम सिर्फ इसी फैमिली को कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो गई, स्किप ऑफ जनरेशन हो गई. ऐसे ही वाले जो मेथड्स हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे. तो ये क्या थी, दूसरी टिप थी कि स्किप ऑफ जनरेशन होगा इफ देयर इज अ रिसेसिव कंडीशन प्रेजेंट. नेक्स्ट जो टिप है, थर्ड नंबर की जो टिप है उसमें क्या है कि अगर इफ देयर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, अगर जो ट्रेट है वो कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी कि जो डिजीज है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो इनमें मेल्स जो डिजीज शो करेंगे उनका नंबर विल बी मोर, जो उनका नंबर होगा विल बी मोर एज कंपेयर टू फीमेल्स. क्योंकि ये इस केस में जो फीमेल्स है वो कैसी हो सकती है, वो कैरियर हो सकती है. या तो इस कंडीशन में होगा कि मेल्स में के जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ ओनली मेल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, या फिर ओनली मेल्स आर अफेक्टेड. कैसे होगा ये, क्योंकि ये अगर हम देखें इस क्रॉस में करें, और इफ वी से दैट ये वाली जो कंडीशन है स्टार वाली, ये क्या होती है, ये डिजीज्ड कंडीशन है. ठीक है, अगर हम इसमें क्रॉस करें तो ऐसा कुछ क्रॉस बनेगा. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो फीमेल्स है, यहां पे जो गर्ल चाइल्ड है वो कैसी है, वो कैरियर है. उनमें ये वाला एक्स रिसेसिव आने के बाद भी दे आर नॉट शोइंग द डिजीज. तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर एक्स लिंक रिसेसिव, अगर आपको पूरा पेडिग्री दिख रहा है और उसमें आपको देख रहा है कि मेल्स ज्यादा इन्फेक्टेड है और फीमेल्स में बहुत कम इन्फेक्टेड है, या सिर्फ और सिर्फ मेल्स इन्फेक्टेड है, तो वो कंडीशन कैसी हो सकती है, एक्स लिंक रिसेसिव हो सकती है. या फिर फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है कि ओनली मेल्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ओनली मेल्स इन्फेक्टेड है, तो ये डिजीज वाई लिंक्ड भी हो सकती है. क्यों वाई लिंक्ड हो सकती है, ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है, मेल्स के पास होता है, फीमेल्स के पास नहीं होता. तो ये थी फोर्थ नंबर टिप. अगर आप फिफ्थ नंबर टिप देखें, तो अभी हमने किसकी बात की थी, हमने बात की एक्स लिंक्ड रिसेसिव की. इफ द कंडीशन इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इज, इफ एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट इज प्रेजेंट, देन व्हाट विल हैपन, देन जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा इन्फेक्टेड होगी, वो मोर नंबर में इन्फेक्टेड होगी एज कंपेयर टू मेल्स. ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो फीमेल्स है उनके पास टू एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स के पास ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, तो फीमेल्स में उस डिजीज के आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी अ कंडीशन जिसमें मॉम को भी डिजीज है और फादर को भी डिजीज है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर हम देखें, ऐसी कंडीशन में जो एक मेल है उसको डिसऑर्डर है ही नहीं, वो बिल्कुल ही नॉर्मल है. दोनों फीमेल्स को डिसऑर्डर है और एक सन को डिसऑर्डर है, लेकिन एक सन को डिसऑर्डर है ही नहीं. तो ऐसी केस में क्या होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट में जो फीमेल्स है वो ज्यादा नंबर में इन्फेक्ट होगी, वहीं जो मेल्स है वो कम नंबर में इन्फेक्ट होंगे. रीजन आपको दिख ही रहा है क्यों, क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो दो होता है फीमेल के पास, तो उसके पास आने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं. तो ये क्या हो गई, ये फिफ्थ टिप हो गई कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट होगा तो फीमेल जो है वो मोर नंबर में इन्फेक्टेड. सिक्स्थ टिप क्या है, सिक्स्थ टिप है कि अगर फादर जो है वो ट्रांसफर करता है डिजीज, इफ फादर इज ट्रांसफरिंग द डिजीज टू बोथ सन एंड डॉटर,
अगर दोनों को ही जा रही है, सन और डॉटर को जा रही है, और इक्वल नंबर में हो रहे हैं, डॉटर और सन इन्फेक्टेड इक्वल नंबर में, तो ऐसी कंडीशन में जो डिजीज है दैट डिजीज विल बी ऑटोसोमल डिजीज. इफ फादर इज ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू बोथ सन एंड डॉटर देन इट विल बी ऑटोसोमल डिजीज. देन द सेवेंथ टिप क्या होगी कि अगर फादर ट्रांसमिट कर रहे हैं, फादर ट्रांसमिट कर रहा है डॉटर को डिजीज, और जो डॉटर है उस डिजीज को शो कर रही है. क्या कर रही है? डॉटर जो है वो डिजीज शो कर रही है, यानी कि डॉटर को भी क्या है? डिजीज है. तो ऐसी कंडीशन में जो होगा, जो इनहेरिटेंस है वो कैसी होगी? वो होगी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस. दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस. नेक्स्ट एथ टिप क्या है कि अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, आइदर इट विल बी रिसेसिव और इट इज डोमिनेंट. भले ही रिसेसिव हो या फिर डोमिनेंट हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो बोथ सेक्स हैं वो लगभग इक्वल अमाउंट में डिजीज शो करेंगे. दे विल शो इक्वल अमाउंट में डिजीज इफ इट इज अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर. आइदर इट विल बी रिसेसिव और इट विल बी डोमिनेंट, बट बोथ सेक्सेस विल शो इक्वल अमाउंट ऑफ डिजीज. लगभग जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिजीज ही शो करेंगे. जो नाइन्थ है वो क्या है? अगर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, इफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इज देयर, देन इट कैन अकर दैट नो जनरेशन इज अफेक्टेड. कि एक भी जनरेशन में जो है अफेक्टेड ऑफरिंग नहीं है. क्यों ऐसा? क्योंकि ने सबके सब एज अ कैरियर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ तभी बच्चे में डिजीज आएगी जब मदर और फादर दोनों कैरियर है, और ऐसा होना बहुत ही रेयर केस होता है. इसलिए जो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है उसमें कोई भी जनरेशन अफेक्टेड नहीं होती है. तो ये जो है सिंपल टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो. जब आपको क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिखा तो आप फटाफट इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, ताकि आपको फटाफट पता चल जाए कि उनमें इनहेरिटेंस क्या है. अब जब हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमें पता चलता जाएगा कि हमें वो क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करना है. तो लेट्स सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी अबाउट क्वेश्चन नाउ. अब होता क्या है, हम पेडिग्री के क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि हम इतना टाइम दे सके एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो नाउ अब हम देखते हैं कि हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, बहुत जल्दी सॉल्व करना है. तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है CSIR नेट का दिसंबर 2017 का क्वेश्चन. उसमें दिया हुआ है कि ये तीन फैमिलीज हैं और ये ऑप्शंस हैं. इन सभी ऑप्शंस में से इन तीन फैमिली में कौन सा डिसऑर्डर प्रेजेंट है? सिर्फ इतनी सी बात हमें बतानी है. बहुत ही सिंपल, हमने तीनों फैमिली को देख लिया. सबसे पहली फैमिली में हम देखते हैं कि सबसे पहली फैमिली में जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें डिजीज नहीं है, वही सेकेंड जनरेशन में डिजीज है. तो ऐसी कंडीशन में स्किप ऑफ जनरेशन हो रहा है, और अगर स्किप ऑफ जनरेशन है, अगर स्किप ऑफ जनरेशन की कंडीशन है, तो क्या होगा? हमेशा ही रिसेसिव ट्रेट होगा. डोमिनेंट ट्रेट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर डोमिनेंट ट्रेट होता तो यहाँ पे ये वाली जो जनरेशन है इसमें भी क्या होती? डिजीज होती. तो इसको देख के हमें क्या पता चल गया? रिसेसिव ट्रेट है. ठीक है भाई, तो हमने इधर रिसेसिव ट्रेट पे इन दोनों को तो कैंसल आउट कर दिया. अब दो ही कंडीशन आती है कि या तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा या फिर वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा. ओके, सो लेट्स गो टू दी फैमिली सेकंड में आपने क्या देखा कि डॉटर से डॉटर में ही डिसऑर्डर जा रहा है. तो डॉटर से डॉटर में ही डिसऑर्डर क्या जा सकता है? या तो फिर ये कंडीशन हो कि यहाँ पे जो डोमिनेंट एक्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या चला गया? डोमिनेंट एक्स प्रेजेंट चला गया. लेकिन अभी हमने देखा कि ये कंडीशन डोमिनेंट हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे डोमिनेंट एक्स तो प्रेजेंट नहीं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि रिसेसिव प्रेजेंट है, तो ये डिजीज्ड है, ये वाले जो फादर है वो नॉर्मल है. ठीक है, तो अगर हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया तो जो डॉटर्स होंगी वो ऐसी होंगी. तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये कैरियर होती, तो ये भी नहीं हो सकता कि जो मदर है वो क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. तो हमने ये वाला भी कट कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव होगा. कैसे ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है. ये डिजीज्ड है, ये हमने ले लिया चलो कैरियर है. ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या होगी? ये डिजीज्ड होगी, और ये कैसी होगी? ये नॉर्मल होगी, या फिर अगर ये प्रेजेंट होता तो ऐसी होती.
तो हमने इतने फटाफट आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने देखा स्किप ऑफ जनरेशन है कि नहीं है, स्किप ऑफ जनरेशन नहीं है, स्किप ऑफ जनरेशन है तो यानी कि रिसेसिव। सेकंड थिंग, आपने ये फैमिली पे गए, आपने देखा कि मदर से डॉटर में जा रही है, मदर से डॉटर में जा रही है तो दो ही कंडीशन हो सकती है। इसको देख के यहाँ पे देखिए, या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो आपने ऑप्शन में देखे यहाँ पे पहले एक्स लिंक्ड रिसेसिव लगाने की ट्राई किया, तो आपने देखा अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव लगाऊंगी मैं यहाँ पे तो जो डॉटर है वो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकती है। डिजीज क्यों नहीं हो सकती, अगर फादर डिजीज नहीं है, अगर इसको डिजीज होना है एक्स लिंक्ड रिसेसिव से तो फादर भी डिजीज होना चाहिए था। तो आपने ये ऑप्शन भी एक्सक्लूड कर दिया और आपको पता चल गया हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव है। आपने फटाफट ऑटोसोमल अप्लाई करके देख लिया और आपने देख लिया कि हाँ यहाँ पे कंडीशन आ रही है। अगर आपको और रीड करना कर सकते हो इन दोनों में, दोनों क्या हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं और ये जो होगी डिजीज हो जाएगी और ये नॉर्मल होगी। वही हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है डिजीज है, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे नॉर्मल हो जाएंगे और यहाँ पे दोनों ही बच्चे कैसे हो गए नॉर्मल हो गए। ठीक है, प्रूफ रीड भी कर लिया आपने अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो, और क्या हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन पहले ही दो स्टेप करके आपको पता चल जाएगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, सो सिंपल। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जो कि है डिसम्बर 2017 CSIR नेट का। लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है CSIR नेट 2015 का। ये वाली जो कंडीशन है इसमें थोड़ा सा आप देखोगे तो देखो क्या है कि जो फादर और मदर है दोनों ही इन्फेक्टेड है, ये एग्जैक्ट लाइन यानी कि दोनों ही इन्फेक्टेड है लेकिन उनके दोनों ही बच्चे जो है वो अनइन्फेक्टेड है। फिर वो जो डॉटर है उसने जिससे मैरिज की वो इन्फेक्टेड था और उनके एक सन इन्फेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन में देख के चलना है ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों इन्फेक्टेड है, तो इफ मैं अपना जो है अप्लाई करके देखूं कोई भी, अगर मैं समझूं कि ये क्या होंगे ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे, तो ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों को ही क्या होना पड़ेगा इन्फेक्टेड होना पड़ेगा। अगर दोनों ही इन्फेक्टेड है तो दोनों कौन सा ट्रेट यहाँ पे देंगे, स्मॉलेस्ट स्मॉल ही देंगे और इसमें इसको भी इन्फेक्टेड होना चाहिए था और इसको भी इन्फेक्टेड होना चाहिए था, तो ये कंडीशन तो पक्का हो ही नहीं सकती ऑटोसोमल रिसेसिव की। अगर मैं दूसरा फटाफट देखूं एक्स लिंक्ड की कंडीशन है तो इसमें ये भी डिजीज है और ये दोनों भी डिजीज है यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव की अगर मैं बात करूं RR, तो यहाँ पे इसको भी डिजीज होना चाहिए था और इसको भी डिजीज होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नहीं यहाँ पे ये वाले एक्स आएंगे और यहाँ पे भी ये वाला एक्स आएगा, डिजीज होना ही चाहिए था तो ये कंडीशन भी नहीं हो सकती। तीसरी अगर मैं कंडीशन लेकर देखूं तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की ले लेते हैं। चलो तो एक्स लिंक डोमिनेंट, एक एक्स नॉर्मल है, यहाँ पे एक्स लिंक डोमिनेंट होगा क्योंकि डिजीज है ऑब्वियसली। तो यहां से कोई एक एक्स आया, ठीक है यहां से ये वाला एक्स आ गया, समझो ये वाला वाई आ गया, सन जो है उसको नहीं हुई लेकिन मदर डॉटर के पास समझो ये वाला एक्स आ गया, लेकिन यहां से तो यही वाला एक्स आएगा ना, तो इसको क्या होना चाहिए था डिजीज होना चाहिए था। तो एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं हो सकता है। तीसरा अगर हम लगाएं ऑटोसोमल डोमिनेंट का, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में इसको डिजीज है, डोमिनेंट एक ही होगा तो हो जाएगी, इधर भी इसको डिजीज है एक होगा तो ही हो जाएगा, तो इन दोनों का क्रॉस हुआ तो चांसेस है स्मॉल ए आ जाए, नहीं डिजीज हुई। इधर भी चांसेस है स्मॉल ए आ जाए, नहीं डिजीज हुई। ये वाला जो फिर से है ये क्या हो गया, डिजीज हो गया, तो हमने लिया ये हेटेरोजाइगस है, तो इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तब क्या हो गया, जो सन है वो डिजीज हो गया और जो डॉटर है वो डिजीज नहीं हुई, तो इससे क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। हमें क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन देख के सॉल्व करने का ट्राई करना है ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना कि हम यहाँ पे सब लगाए, हम यहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव भी लगा के देखे, वाई लिंक भी लगा के देखे, नहीं हमें ऑप्शन को देख के, अगर आप पहला ऑप्शन को देख के ट्राई करते तो आपके पहले ही ऑप्शन में पता चल जाता हाँ ये पहला ऑप्शन सही है और ये जो आंसर है सही होगा। ऐसे जो छोटे छोटे अगर पेडिग्री चार्ट दिए जाते हैं तो इनमें आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं, अगर बड़ा कोई पेडिग्री चार्ट दिया हुआ तो आप उसमें रूल्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या कर दिया हमने 2015 का क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CSIR डिसम्बर 2014। ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देख के आधे बच्चे ऐसे ही छोड़ देंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि एक तो ये डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है, प्लस वो जो क्वेश्चन है उसमें इतनी सारी बातें कह दी गई है, माइक्रो सैटेलाइट के बारे में कह दिया गया, लिंकेज के बारे में कह दिया गया, प्लस
ये जो क्वेश्चन है इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दे रखा है, तो बच्चे बोलेंगे यार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें बैंड्स के बारे में ही नहीं पता। कुछ बच्चे बोलेंगे हमें माइक्रोसैटेलाइट के बारे में नहीं पता, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन वो सब छोड़ के भी आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन मुझे लगता है सबसे इजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें डायग्राम दिया हुआ है उनको देख के बताओ आंसर क्या, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है। अगर मैं इसमें भी देखो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को देख के हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सिंपल सी बात दी हुई है, पेरेंट्स है, फादर जो है नॉर्मल है, मदर जो है इन्फेक्टेड है, ठीक है। उनके सिक्स चिल्ड्रन है जिनमें से चार जो है वो इन्फेक्टेड है, दो जो है नॉर्मल है, ठीक है भाई। इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दी गई हुई है आठों की यानी कि दोनों पेरेंट्स की और छह के छह चिल्ड्रन की, और वो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें क्या बता रखा है, माइक्रोसैटेलाइट के चार माइक्रोसैटेलाइट के बैंड दिए हुए, ठीक है, फोर माइक्रोसैटेलाइट के इसमें बैंड दिए हुए P1 P2 और ये सिक्स चिल्ड्रंस के। हमें इसमें सिंपल से क्या बताना है कि इन सब में से कौन सी ऐसी माइक्रोसैटेलाइट का मार्कर है जो लिंकेज शो करेगा, ठीक है, जो लिंकेज शो करेगा। इसमें आपको थोड़ा सा लिंकेज के बारे में पता होना जरूरी है। वैसे तो लिंकेज नाम से ही पता चल रहा है, लिंकेज में क्या होगा, लिंकेज में जो जीन्स है वो साथ में ही रह जाते हैं, वो सेपरेट नहीं होते ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और उनसे जो चिल्ड्रन में वैसे का वैसा जीन चला जाता है, यानी कि उसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं होती और गैमीट के टाइम डिवाइड नहीं होते, इसको लिंकेज बोलते हैं सिंपल सेंस में, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो अगर इसमें लिंकेज शो होगा, यानी कि मतलब जैसे पेरेंट में डीएनए प्रेजेंट है, जैसे पेरेंट्स में मार्कर प्रेजेंट है, वैसे सेम मार्कर जो वो चिल्ड्रन में आने चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, लिंकेज हो पाएगा। लिंकेज मतलब जीन साथ में जाने चाहिए, तो जैसे जीन किसी एक पेरेंट के पास वैसा ही सेम जीन बच्चे के पास, ठीक है। तो अगर हम इसमें M1 को देखें, M1 में इन्होंने दिखाया कि P2 के पास M1 है, 1 के पास है, 3 के पास है, 5 के पास है। अगर हम देखें P2 जो है वो नॉर्मल है, P2 जो है बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्या 1 नॉर्मल है, नहीं, 1 को है डिजीज, 3 नॉर्मल है, 5 को है डिजीज, थोड़ा ठीक नहीं लगता यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ले ना 1 और 5 दोनों को डिजीज है और यहाँ पे 4 है जो ठीक है। अगर M1 जो है माइक्रोसैटेलाइट होता तो इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि 3 और 4 के पास ये जीन होते और 1 और 5 के पास ये मार्कर नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये जो P2 है उसके पास डिजीज नहीं है, हम स्पेसिफिक डिजीज को देख रहे हैं, तो P2 के पास डिजीज नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, वही 1 और 5 के पास वो डिजीज प्रेजेंट है। तो 1 और 5 के पास वो मार्कर कैसे आ गया जब P2 के पास मार्कर है, तो ये हमें इतना लग नहीं रहा है कि इसका आंसर होगा। हम आगे देख लेते हैं, हम M2 के पास गए, हमने M2 के पास देखा कि P1 पेरेंट के पास ये मार्कर प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है माइक्रोसैटेलाइट का, तो यानी कि ठीक है P1 डिजीज्ड है। उसके बाद हम गए फर्स्ट के पास है, हम गए सेकंड के पास भी है, दोनों ही डिजीज्ड है, 3 के पास गए नॉर्मल है नहीं है, 4th के पास गए नहीं है, 5th के पास गए डिजीज्ड है, 6th के पास गए डिजीज्ड है, यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ी बात सही लगती है कि मतलब जितने भी नॉर्मल थे उनके पास नहीं है और जितने भी डिजीज है उन सबके पास वो मार्कर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे लिंकेज का केस हो सकता है। क्यों लिंकेज का केस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजीज जीन्स है वो हो सकते हैं चारों के पास चले गए, लिंकेज था इसलिए, और इन दोनों के पास नहीं गए, ठीक है, हमें लगा M2 है। हमने M3 के पास गए, P2 के पास है, ठीक है, 1 के पास नहीं, 2 के पास है, ठीक है, 2 लेकिन डिजीज है, 4 के पास का है बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन 5 के पास भी है, 5 और 2 यहाँ पे डिजीज है, थोड़ा तुक नहीं बनता है क्वेश्चन को देख के। M4 के पास है, P1 के पास है, 3 और 4 के पास है, 3 और 4 जबकि नॉर्मल है, P1 जो है वो डिजीज है, तो यहाँ पे लिंकेज होती तो इन दोनों के पास भी आनी चाहिए थी, वो लिंकेज वाले जो डिजीज है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या पूछा गया कि लिंकेज को कौन शो कर रहा है, तो ये लिंकेज को तो शो नहीं कर रहा, हमें नहीं लगता कि मार्कर लिंकेज को शो कर रहा है बिल्कुल अच्छे से। लिंकेज को कौन सा मार्कर शो कर रहा है, M2 मार्कर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लिंकेज वाला मार्कर था वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और इन चारों में ही वो क्या शो कर रहा है, डिजीज शो कर रहा है, चारों में ही क्या शो कर रहा है, डिजीज शो कर रहा है। तो कौन सा आंसर सही होगा, M2 वाला आंसर सही होगा। बिल्कुल आपको कुछ जानना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस पे, कुछ भी नहीं जानना, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो लिंकेज क्या होता है, आप इस पूरे को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई जीन साथ में प्रेजेंट है और वो बच्चों में ऐसा का ऐसा ट्रांसफर हो गया तो वो क्या हो गई, लिंकेज हो गई, कुछ सेपरेशन नहीं हुआ।
तो वही था कि फादर के पास था, फादर को डिजीज हो रही थी और इन चारों को भी डिजीज हो रही है, एज सिंपल एज दैट दिस क्वेश्चन वॉज। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कभी स्किप करने की कोशिश मत किया करो, हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कब का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2012 का। अगर उसमें मैं ये पेडिग्री का चार्ट देखूं तो इसमें अभी इसमें जो ट्विस्ट है वो क्या है कि इन सब में से एक से ज्यादा डिसऑर्डर है, यहाँ पे दिया हुआ है वो ए एंड सी, बी एंड सी, सी एंड डी, मतलब एक से ज्यादा जो डिसऑर्डर का ये इनहेरिटेंस हो सकता है। ठीक है, तो मैंने पहले देखा कि सबसे पहले जो है फादर इन्फेक्टेड है, उसके बाद जो है उसका सन इन्फेक्टेड है। तो अगर फादर से सन इन्फेक्टेड है तो एक्स लिंक तो हो ही नहीं सकता है, ना एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है ना एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है, क्योंकि ये फादर कभी भी अपने सन को एक्स क्रोमोसोम नहीं देता। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये वाला और ये वाले ऑप्शन तो दोनों ही गलत है। तो अब बचे कौन से, ऑप्शन सी बचा और ऑप्शन डी बचा। यहाँ पे दो है, एक तो है सी, सी एंड डी, एंड एक है डी, डी ओनली। तो अब मुझे वो देखना है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं पहले ऑटोसोमल रिसेसिव वाली कंडीशन ले लेती हूँ, तो जिसमें जो फादर है वो इन्फेक्टेड है और मदर समझो हेटेरोजाइगस है, इन दोनों का क्रॉस हुआ, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो इन्फेक्टेड होगा, ये हो सकता है नॉर्मल हो और ये भी हो सकता है नॉर्मल हो, क्योंकि इस क्रॉस के साथ इनका क्रॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला इन्फेक्टेड है तो ऑब्वियसली ये कैसे होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए, तो यहाँ पे ये हो सकता है इन्फेक्टेड और ये हो सकता है बिल्कुल ही नॉर्मल। तो ये वाला जो ऑप्शन है रिसेसिव वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अगर मैं अब देखूं डोमिनेंट की कंडीशन का, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये इन्फेक्टेड है तो जरूरी नहीं है दोनों ही इन्फेक्टेड जीन्स हो, और ये नॉर्मल है तो ऑब्वियसली ये कैसी होगी, रिसेसिव होगी। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस किया तो कैसे आया, डोमिनेंट और ये दोनों आ गए नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्वियसली नॉर्मल होगा, हमने ले लिया हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया डिजीज्ड और ये हो गए नॉर्मल। तो यानी कि ये कैसी कंडीशन है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन भी हो सकती है और ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आपको हमेशा ये देखना है कि आपके ऑप्शंस जो है कितने ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा सही हो रहे हैं। अब बच्चे जरूर मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि मैम आपने हेटेरोजाइगस ही क्यों लिया, आपने होमोजाइगस क्यों नहीं लिया, या यहाँ पे आपने पहले कंडीशन में हेटेरोजाइगस ही क्यों लिया, होमोजाइगस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मुझे मेरे ऑप्शंस को देखना है। मेरे ऑप्शंस अगर उस प्रोबेबिलिटी के साथ सही हो रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये वाली प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इस कंडीशन में ये वाली प्रोबेबिलिटी सही हो सकती है और उससे मेरे ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो मुझे उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसी को ही कंसीडर नहीं कर सकती, हमें सिर्फ इसी को कंसीडर नहीं कर सकते, इनसे मेरे ऑप्शन गलत हो रहे हैं लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी तो है ना कि ये वाला होगा और उससे मेरा ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसलिए हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। और इससे जो है आंसर अगर ऑप्शन आ रहा है तो ऑब्वियसली वो चांस है और ये जो सी ऑप्शन है वो सही हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस प्रोबेबिलिटी वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पूरा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे पेडिग्री का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।